बहुत ही अच्छा लगता था सर। आप यहाँ पे किस वजह से हैं? जी, सिद्धार्थ शुक्ला को लास्ट टाइम देखने के लिए उनकी इसके लिए आया था मैं यहाँ पर। जब मुझे मालूम पड़ा कि उनकी ऐसी डेथ हो गई है तो, और हम यहाँ पास में ही रहते, तो यहाँ से हम जैसी न्यूज है हम यहाँ आ गए। तो अभी काफी देर से आप खड़े हैं? मैंने जी करीब एक घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हम। तो ये आप मतलब क्या उनको पहले भी कभी देखा था? जी बहुत बार, बैक रोड के यहाँ पे बहुत बार देखा था मैं उन्हें, उनके रोड पे मैंने फोटोज भी क्लिक किए बहुत। अच्छा, उनके साथ फोटो खींचा? जी अभी? अभी तो नहीं है फिलहाल। अच्छा, तो उनके बारे में क्या आपको सबसे अच्छा लगता था? उनके एक्टिंग बहुत पसंद आती थी मुझे, उनका एटीट्यूड जो था ना, वो एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता था मुझे। कुछ तस्वीरों के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिद्धार्थ का इस तरह से अचानक 40 साल की उम्र में चला जाना, आखिर बॉलीवुड के लिए जिस इंडस्ट्री से, जिस छोटे पर्दे के वो चमकते हुए सितारे थे, उसके लिए कितनी महत्ता है इस सितारे का इस तरह से रहना, लेकिन अचानक से चले जाना। यकीनन हर कोई स्तब्ध है, हर किसी की आंखों में आंसू है, और अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुए सुशांत सिंह राजपूत को जिस तरह से इसी इंडस्ट्री ने खोया। हालांकि सिद्धार्थ का भी बड़े पर्दे पर चमकना बाकी था, लेकिन अचानक से ही, जरा सोचिए 1980 में उनका जन्म होता है, 2004 से अपने एक्टिंग करियर की वो शुरुआत करते हैं, उसके बाद एक के बाद एक कई सफलता छोटे पर्दे पर उनको मिलती हुई चली जाती है। लेकिन जैसे ही बालिका वधू सीरियल आता है, उसके बाद हर घर में वो अपनी जगह बना लेते हैं, और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर बिग बॉस के दौरान तो हम सब ने देखा युवा दिलों की धड़कनें किस तरह से उनके लिए धड़कने लगी थी, और रह रहकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया करते थे सिद्धार्थ शुक्ला। बार बार हम सब ये देखने जाते थे कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला ने ऐसा क्या किया कि आज फिर हर बीतते गुजरते दिन के साथ लगातार नई नई बुलंदियों को वो छू रहे थे। मैं सीधे